पौड़ी जनपद में मूलभूत सुविधाओं समेत विभिन्न मांगों को लेकर शहरवासियों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। बता दें कि यह रैली रामलीला ग्राउंड से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां विभिन्न समस्याओं के निराकरण को लेकर प्रशासन से शहरवासियों ने प्रदर्शन कर संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले मांग की। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही मांगों पर जिला प्रशासन और राज्य सरकार द्वारा ठोस कार्यवाही नहीं की गई तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार की होगी। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। गुजरा है और जब यहाँ पे आंसू गैस और गोलियों का जब बौछार होती थी उस समय हमारा यहाँ पर जन्म हुआ। और उस समय उत्तराखंड का हमने सुना कि पौड़ी, जब हम छोटे छोटे उस समय से पौड़ी की जो उत्तराखंड राज्य आज बना हुआ है उसका मूल स्रोत पौड़ी है। और आज पौड़ी में 24 साल बाद भी पौड़ी में वही व्यापारी, वही कर्मचारी, वही आम नागरिक सब सड़कों पर है, तो इससे बहुत दुर्भाग्य क्या है। 5 मुख्यमंत्री हमने इस पौड़ी को दिए हैं और उसके बाद भी आज हम पूरा पौड़ी उपेक्षा का शिकार हो रखा है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। हमारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अनुरोध है, अपील है कि केवल पौड़ी का शोषण बंद करो। आज मसूरी, नैनीताल तमाम पर्यटक स्थल बने, पर पौड़ी की बात आती है तो यहाँ के कला ऑफिस कार्यालय जो हमारे कार्यालय है वो देहरादून शिफ्ट हो गए। यहाँ के कर्मचारी, अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षकों के लिए पूरी व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। इस प्रकार नागरिक लगभग 30% व्यापारी यहाँ से पलायन कर चुका है। इसी संबंध में जो एक जन आक्रोश रैली थी, हमने इसको समर्थन दिया था और जो हमारी मांगें थी वो इसमें उठाई गई हैं। हम चाहते हैं कि पौड़ी में जो ट्रेड टैक्स लग रहा है ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। इसके अलावा श्रीनगर रोड पे कुछ दुकानें तोड़ी गई हैं, उनको एक जगह दी जाए। आपने आज का जन आक्रोश देख लिया होगा, पौड़ी की जनता ने उत्तराखंड बनाया, पौड़ी की जनता अपनी अस्मिता बचाने के लिए और अपने गौरव को बचाने के लिए एक बार दोबारा जो है गोली और डंडे खाने को तैयार है। प्रशासन समझ ले इस बात को और सोच ले कि जल्दी से जल्दी हमारी राज्य सरकार एवं प्रशासन जो है हमारी मांगें पूरी करे। हमारी मांगें बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत छोटी छोटी मांगें हैं, इनको पूरा करना चाहिए हमको हर स्तर पर जो है। नहीं तो पौड़ी की जनता जन आक्रोश आज गोली डंडे खाने को तैयार है अपनी अस्मिता को बचाने के लिए। हमें कुछ भी करना पड़े हम हर हद तक जाएंगे, सब कुछ करेंगे।